जैसे कि करगिल के अंदर करगिल का आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी करगिल के अंदर पूरी ताकत से लगी है और करगिल में लगातार विकास हमारे एमपी जामयाल जी के लीडरशिप में हॉस्पिटल्स हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूरे लद्दाख के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेज लेके आए हैं। आज टनल बन रही है, एक जमाना था 6 महीने करगिल देश से कटा रहता था, आज ऐसा वहां पर विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और लोगों का मन बना है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देना है ताकि ये विकास रुके नहीं, स्टेडियम बनने रुके नहीं, लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो रुके नहीं। और आज यहां लोग आम चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग वोट मांगने आए हैं जिन्होंने धार्मिक जुलूस ताजिए को रोका था, जिन्होंने यहां पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को कुचला था। 1989 का बंद वो जुलूस ताजिया वो दोबारा 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने चालू करा है। एक जमाना था कारगिल से कोई गिनती के लोग 1-2-4 ही हज के लिए जा पाते थे, यहां हज कमेटी बनाई है और हर साल लगभग 400 यहां के लोग हज की पवित्र यात्रा पे जा रहे हैं। एक खुला वातावरण, विकास का वातावरण, आगे बढ़ने का वातावरण, टूरिज्म हब बनने का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और ये आगे बढ़े। और जो लोग यहां बैठकर करप्शन करते रहे, लूटते रहे, आज वो चिंतित हैं, भारतीय जनता पार्टी आएगी, स्वच्छ प्रशासन लाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, यहां पर विकास, यहां पर विश्वास, यहां पर लोगों के हाथ में काम, ये सब चीजें हम करेंगे। अभी कैंडिडेट्स की मीटिंग ली है, सभी कैंडिडेट्स पूरे उत्साह के साथ है, सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ के विकास की नई गाथा लिखी है जनता उनको आशीर्वाद देगी और करगिल में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी से काम करके लोगों का विकास विश्वास जीतने वाली काउंसिल जल्दी बने। सर ने उड़ान स्कीम में करगिल एयरपोर्ट को लिया है, यहाँ अभी करगिल एयरपोर्ट में कुछ चीजें होने वाली है लेकिन करगिल में एयरपोर्ट बने ये हमारी कमिटमेंट है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हेलीपैड व्यवस्था हमने शुरू की है, हेलीकॉप्टर हमने रखे हैं, आने वाले समय में टूरिज्म बढ़े उसके लिए यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, ये हमारा विजन है और निश्चित रूप से हम उसको कामयाब करेंगे।